हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मैनीक्योर पेडीक्योर टिप्स। सीमा उपाध्याय जी का कमेंट था कि मैम आप हाथ पैरों की वाइटनिंग पे टिप्स बनाइए, टैनिंग को कैसे रिमूव करेंगे। तो सीमा उपाध्याय जी, उसके लिए भी मैं टिप्स बताया है मैंने वीडियो में, बट मैं आज मैनीक्योर पेडीक्योर बता रही हूँ, फुल बॉडी वाइटनिंग टिप्स बताऊंगी। इसी टिप्स के थ्रू जो बॉडी लोशन मैं बता रही हूँ उसको आप घर पे बना के अपने फुल बॉडी एंड फेस पे अप्लाई करोगे तो आपका जो टैनिंग है धीरे धीरे रिमूव होने लग जाएगा एंड आपका स्किन जो है वो फेयर होके काफ़ी ग्लोइंग रहेगा। तो कैसे करना है मैनीक्योर पेडीक्योर तो आप देख ही लीजिए साथ साथ में, एंड जो टिप्स है वो भी बताया है उसको जरूर फॉलो कीजिए। उससे आपका जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एंड ग्लोइंग और एजिंग भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी ब्लॉग वीडियो देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पर जरूर जाइए। सेकंड चैनल का नेम है प्रीत तिवारी 2। वहाँ पर आपको मेरी ब्लॉग वीडियोज डे बाई डे मिलते रहती है। जो भी मैं करते रहती हूँ अपने घर में उसका अपडेट आप लोग को वहाँ पे मिलता रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ सेकंड चैनल पे जाइए, प्रीत तिवारी 2 सेकंड चैनल का नेम है। वहाँ पे मैं सिलाई से भी रिलेटेड वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ एंड स्किन ग्लोइंग एंड हाथ पैरों को ग्लो एंड सॉफ्ट स्मूथ बनाने के लिए फुल वीडियो वॉच जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैनीक्योर पेडीक्योर के लिए मैं यहाँ पे अलग से पानी नहीं ले रही, हमारा स्टीमर है जिसमें से आप देख रहे हो भाप दिख रहा होगा आपको। आई होप कि आपको भाप दिख रहा है। ये गर्म हो चुका है, अब इसको बाल्टी में निकाल लेंगे। उसमें आपको क्या क्या मिलाना है वो मैं दिखाती हूँ अभी, बस इसी को देखें। तो ये पानी गर्म होने के बाद से मैंने इसको इस तरीके से बाल्टी में पूरा निकाल लिया है स्टीमर में से। जितना आपका हाथ पैर सह सके उतना ही पानी को गर्म करना है। उसके बाद इसमें हम लोग एक डिब्बा पूरा एक्टिवेटर डाल दे रहे हैं। एक्टिवेटर जो आपके स्किन का जो गंदगी होता है, मैल होता है, उसको रिमूव करता है एंड फेयरनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। जो ब्लीच में एक्टिवेटर होता है वही आपको यहाँ पे यूज करना है। तो मैंने पूरा इसको डाल दिया है। यहाँ पे मैं ले लूँ थोड़ा सा ग्लिसरीन, ओके, लेमन वाला ग्लिसरीन का 1 से 2 चम्मच आपको पानी के अंदर ऐड करना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गुलाब जल लेंगे। गुलाब जल भी आप 1 बड़ा चम्मच या 2 चम्मच तक इसमें डाल सकते हो। यहाँ पे मैं ले रही हूँ शैम्पू, शैम्पू भी आपको 1 से 2 चम्मच ले लेना है। इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर दोगे, अच्छे से ही मिक्स हो चुका है। इसके बाद आप इसमें हाथ या पैर अपना 10 मिनट तक डीप करके रखोगे। उसके बाद का आगे का प्रोसेस बताती हूँ। बैठ जाइए आप, मैं आ रही हूँ जी, पक्का मैं आ रही जी। पूरा हाथ डूबना चाहिए लेकिन मेरा डूब नहीं पा रहा है। जहाँ तक आपको फेयरनेस लाना है हाथ में वहाँ तक अंदर रहना चाहिए पानी को, ठीक है। ये समझाने के लिए बस बता दी, 10 मिनट इसको रखेंगे। 10 मिनट बीतने के बाद सिर्फ मैनीक्योर पेडीक्योर ब्रश कहाँ रख दिया मैंने, वहाँ पे है मशीन पे। उसके बाद हाथ हो या पैर हो, ये मैनीक्योर पेडीक्योर ब्रश के ये वाला जो दरदरा भाग है उससे इस तरीके से रगड़ना है। इसको रगड़ने से क्या होगा, जो डेड स्किन होती है वो निकल जाएगी हमारी। सर्कुलर मूवमेंट में करना है, सीधा सीधा नहीं करना है। सर्कुलर मूवमेंट मतलब ऐसे राउंड राउंड करके, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टैनिंग आ रखी है, सीमा उपाध्याय का कमेंट आया था कि मैम बहुत ज़्यादा टैनिंग आई हुई है, तो उसके लिए आप कुछ बताइए। तो डियर, उसके लिए आप ये मैनीक्योर पेडीक्योर तो करना ही करना है। इससे पहले आपको हाथों को ये ब्लीच करनी है अपने, और ब्लीच करके कुछ अच्छा सा बॉडी लोशन या फिर घर का बनाया हुआ बॉडी लोशन, नारियल तेल में एलोवेरा जेल मिक्स करके उसको अच्छे से मिक्स करना है एंड एक बोतल में भर के रख लेना है। उससे क्या होगा कि वो उसको आपके आपके बॉडी पे जगह जहाँ फुल बॉडी पे आप लगा सकते हो बॉडी वाइटनिंग के लिए, नारियल तेल एंड एलोवेरा जेल। धीरे धीरे आपकी स्किन का सारा टैनिंग रिमूव हो जाएगा और आपका कलर भी फेयर हो जाएगा उस बॉडी लोशन से। तो आप बना लीजिएगा उसको,
तो इसी तरीके से रब करना है। रब करने के बाद से आपको नॉर्मल पानी से इसको वॉश करना है। और अगर आपको जल्दी असर चाहिए तो आपको क्या करना है, नाइट के टाइम पे वैसलीन जो होती है पेट्रोलियम जेली, उसको लगाना है पूरे हाथ पैर पे। एंड इसको आपको रात में लगा के पोलथीन या फिर कोई गर्म कपड़ा पहन के ऐसे सो जाना है, उससे आपके हाथ पैर का कलर बहुत जल्दी फेयर होगा। और इसके बाद से आप स्क्रब कर सकते हो। अगर आपने मैनीक्योर पेडीक्योर नहीं करना है तो आप स्क्रब कर सकते हो हाथों पे, स्क्रब और ब्लीच, उससे भी आपकी जो टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से रगड़ लिया है एंड इसको अच्छे से वॉश करेंगे नॉर्मल पानी से। चलो कर, तो इस तरीके से मैंने नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है और हाथों को अच्छे से पोंछ लेंगे। पेट्रोलियम जेली वो लगाना है, या तो आपने जो मैंने बताया कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल उनको मिक्स करके बॉडी लोशन के तौर पे यूज कीजिए। अगर जल्दी फेयरनेस चाहिए या फिर आपकी स्किन बहुत एजिंग आ रही है, आप उसको अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एजिंग आ रही है तो आप उसमें विटामिन ई की कैप्सूल ऐड कर दोगे तो बहुत ज़्यादा असर करता है ये। तो मैं तो अभी मेरा तो सही है हाथ पैर, तो मैं यहाँ पे ये वाला क्रीम मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बोरो प्लस का है, एंटीसेप्टिक है, आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम है, लाइट एंड नॉन स्टिकी, तो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैं इसी को अपने फेस पे भी अप्लाई करती हूँ, जूम करके मेरे हाथ को दिखाएगा। काफी ज्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है हाथ। ये सारी चीजें आपको डालनी है पानी में, 10 मिनट तक डीप करके रखना है, उसके बाद से स्क्रब करना है एंड नॉर्मल पानी से वॉश करके आप इस तरीके से मसाज कर लोगे हाथों को एंड आपके हाथों की टैनिंग ये आपको एक हफ्ते में आप एक बार कर सकते हो, जिससे आपका जो टैनिंग है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा, आपका हाथ जो है वो धीरे धीरे फेयर होने लग जाएगा। जल्दी असर के लिए जो मैंने टिप्स बताया है वो जरूर असर की जरूर यूज कीजिएगा। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसी तरीके से अगर आप भी हाथों को सॉफ्ट स्मूथ फेयर एंड ग्लोइंग बनाना चाहते हो तो आज का वीडियो है इसी के ऊपर, तो आप फॉलो कीजिए टिप्स एंड आपके फुल बॉडी को, फुल बॉडी वाइटनिंग टिप्स है आज का वीडियो जो है, तो फुल बॉडी वाइटनिंग टिप्स है, तो आप देखिए और ट्राई कीजिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस कि कैसे आपको करना है। मैंने आज ही ये वाली फ़ोटो क्लिक की थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो क्लियर हो गया होगा कैसे टिप्स बनाना है, लोशन बनाना है एंड मैनीक्योर पेडीक्योर घर पे आप कैसे कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जब भी आपके फ़ोन पे स्क्रीन पे शो हो जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।